जिला जज के फैसले के खिलाफ दाखिल रिवीजन पिटीशन पर कल होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस जयंत बैनर्जी की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। जिला जज के एएसआई सर्वे के खिलाफ दाखिल की गई है रिवीजन पिटीशन। जिला जज ने ज्ञानवापी विवादित परिसर का एसआई सर्वे का आदेश दिया था, एएसआई सर्वे का आदेश, लेकिन मुस्लिम पक्ष को यह आदेश पसंद नहीं, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इसको चुनौती दी है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू पक्ष की ओर से पहले ही कैबिनेट दाखिल कर दी गई है, यानी कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोई भी फैसला सुनाने से पहले हिंदू पक्ष की बात को सुनना जरूरी होगा। आज अंजुमन इंतजामिया ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की है 227 आर्टिकल में। उसमें हमने अपनी कैवियट दाखिल की थी और उस कैवियट की कॉपी उन्होंने हमें रिसीव कराई है। अभी ये मामला कब हियरिंग पे आएगा इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कल 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगाई है, तो कल टेकअप होगा इस मामले पर? देखिए, इसमें मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता हूँ। ये ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रजिस्ट्रार लिस्टिंग उसको कोर्ट के सामने रखेंगे, ये उनका अपना इंटरनल एक कार्रवाई है। पर जहां तक हमारे केवेट फाइल करने का सवाल है, हमने केवेट फाइल की, हमें कॉपी मिली है और जैसे ही लिस्टिंग की कोई भी नोटिस आएगी या अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। अच्छा, जो लंबित फाइल किया है या 227 में एक उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। जो पुराना मामला था उसमें क्या हुआ? जो 1991 का सूट था उसमें आज दोबारा जजमेंट रिजर्व हुआ है और 28 अगस्त को उसमें जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा। आज क्या हुआ कोर्ट में? आज कोर्ट में उसमें बस थोड़ी देर बहस हुई और उसके बाद कोर्ट ने उसमें जजमेंट रिजर्व कर दिया। पांचों मामले में जो है अराउंड 10-15 मिनट्स। पांचों मामलों, पांच मिनट, चार, हाँ चार और एक कनेक्टेड, हाँ पांच मामलों में उन्होंने जजमेंट रिजर्व किया। उसमें दो चीज है, एक तो सूट की मेंटेनेबिलिटी पे, सूट की मेंटेनेबिलिटी का इशू है और दूसरा एएसआई सर्वे का इशू है। और उसमें ये भी इशू है कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे थी तब एएसआई सर्वे का ऑर्डर कैसे हुआ, तो उस केस की अपनी टेक्निकलिटीज है और वो केस इस केस से कनेक्टेड नहीं है, वो सेपरेट सूट है और ये सेपरेट सूट है जी। और इस वक्त हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद है, प्रयागराज से। सर्वेश, आपके पास आती हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे को लेकर चुनौती दे दी गई है, कल भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी, कल तक के लिए रोक भी लगा दी गई है सर्वे पर हाईकोर्ट की ओर से, इस बारे में और क्या अपडेट आपके पास? हिंदू पक्ष को अदालत की ओर से कब सुना जाएगा? देखिए, जब इस मामले की सुनवाई शुरू होगी तो उसी दौरान मुस्लिम पक्ष के साथ ही साथ हिंदू पक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका अनुच्छेद 227 के तहत दाखिल की गई है और इसमें मांग की गई है कि वाराणसी का के जिला जज का जो 21 जुलाई का आदेश है उसको रद्द किया जाए, क्योंकि ये न्याय संगत नहीं है। और इसी मांग को लेकर ये याचिका दाखिल की गई है। आज इस मामले को ये लिस्टेड कर दिया गया है और कल इस मामले की सुनवाई जस्टिस जयंत बनर्जी की सिंगल बेंच करेगी और उसके बाद ही इस मामले में कोई फैसला आ सकता है। इसमें प्रमुख रूप से यही मांग की गई कि जो एएसआई का सर्वे वाराणसी जिला जज के आदेश से किया जा रहा है उस सर्वे पर तत्काल रोक लगाई जाए। हालांकि इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई यानी कल शाम 5 बजे तक इस पर रोक लगा रखी है ऑलरेडी। ठीक है, इस मामले में आगे क्या सुनवाई होती है, किस तरफ फैसला आता है अदालत का, उस पर भी नजर हमारी बने रहेगी। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। वाराणसी में प्रख्यात कथावाचक मुरारी बापू ज्योतिर्लिंग कथा करने पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में शिवभक्त मुरारी बापू की कथा में शामिल हुए। पहली बार विश्वनाथ कॉरिडोर में मुरारी बापू जी की कोई कथा आयोजित हुई है। मुरारी बापू ने कहा कि काशी प्रकाशमय है और इसके उजालों को काल भी ग्रास नहीं कर सकता है। काशी जैसी शीतलता और मोहकता कहीं और नहीं मिल सकती। इधर बुलंदशहर में समुदाय विशेष के लोगों ने एक लड़के का खतना कर दिया। लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बुलंदशहर से नोएडा फेज 2 पहुंचा था। आरोप है कि प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमिका खतना कर दिया और अब धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। प्रेमी युगल ने एसएसपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई। एसएसपी ने स्थानीय पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।